गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बायो केम एडुकेशन। गाइस, इस चैप्टर में आज हम लोग इस वीडियो में एक न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं, ओके, एंड इट्स नेम इज थर्मोडायनेमिक। हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स को कवर कर लिया है, अब एक नया चैप्टर कवर करने जा रहे हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक, ओके। तो गाइस, सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक का मतलब क्या होता है। देखिए, थर्मोडायनेमिक के बारे में क्या लिखा है, इट इज़ ओनली फिजिकल थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल कॉन्टेंट कंसर्निंग विच आई एम कन्विंस दैट आई विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ द बेसिक कंसेप्ट आई विल नेवर बी ओवरथ्रोन। ऑब्जेक्टिव इसमें दिया हुआ है। देखिए, इसमें थर्मोडायनेमिक का मतलब क्या होता है, थर्मो मीन्स थर्मल एनर्जी, थर्मो का मतलब होता है थर्मल एनर्जी, और डायनेमिक का मतलब होता है जैसे डायनेमिकल चेंज, ओके। तो थर्मोडायनेमिक में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि थर्मल एनर्जी का डायनेमिकल चेंज किस किस फॉर्म में होता है, कैसे होता है, उसका क्या कन्वर्शन होता है, कितने अमाउंट ऑफ हीट का लॉस होता है, कितने अमाउंट ऑफ हीट का गेन होता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने सुना है कि जैसे हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी का यूज़ हम लोग केमिकल एनर्जी में करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जनरेशन में करते हैं, ठीक है। तो जितने भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक दूसरे में, हम उसी को थर्मोडायनेमिक इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एंड स्पेशली हम इसमें थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले गाइस, क्योंकि थर्मोडायनेमिक क्या है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। थर्मोडायनेमिक इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें हमको डायनेमिकल चेंज के बारे में पढ़ना है कि थर्मल एनर्जी का डायनेमिकल चेंज कैसे कैसे होता है, ओके। सो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी अबाउट थर्मोडायनेमिक टर्म्स, कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं थर्मोडायनेमिक में। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। तो गाइस, सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है, ठीक है। तो सिस्टम और सराउंडिंग को समझना है तो सबसे पहले एक बात सुनिए, जैसे कि जहां पर भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, कहीं भी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम उसको सिस्टम बोलेंगे। सिस्टम किसको बोलेंगे, सिस्टम बोलने का मतलब हुआ जहाँ पर भी कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जैसे किसी टेस्ट ट्यूब में आप लोग कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या किसी बर्तन में बर्तन में आप चाय बना रहे हैं, कुछ भी मतलब हाउस होल्ड वर्क कर रहे हैं, तो वो जो पॉट हो गया, वो हो गया आपका सिस्टम। इनफैक्ट आप खुद एक सिस्टम है, वी आर द सिस्टम। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कोई ना कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंटिन्यूसली चल रही है, समझ में आया आपको। सो द सिस्टम इन द थर्मोडायनेमिक रिफर्स टू द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है द सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक रिफर्स टू द पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच द ऑब्जर्वेशंस आर मेड एंड रिमेनिंग यूनिवर्स कॉन्स्टिट्यूट द सराउंडिंग। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अगर ये होगा यूनिवर्स, मान लेते हैं ये यूनिवर्स हो गया, तो अगर मैं यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा सिस्टम एंड बाकी जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, बचा हुआ पार्ट जो है, वो हो जाएगा सराउंडिंग। समझ में आ गया, जैसे कि हमारे बॉडी खुद एक सिस्टम है, हमारे बॉडी क्या है, खुद एक सिस्टम है। कैसे, हमारे बॉडी में मैंने कहा जैसे ये मान लीजिए कि हमारी बॉडी होगी एक्सपोज, तो इसके अंदर बहुत सी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन, एक्सक्रेशन, रेस्पिरेशन, परस्पिरेशन, बहुत सी प्रोसेसेस चल रही है, कंटिन्यूस चल रही है। तो ये जो हो गया, ये हो गया सिस्टम, और इस मतलब हमारी बॉडी को छोड़ दो तो बाकी सब कुछ, एवरीथिंग इज सराउंडिंग फॉर अस। समझ में आ गया, बाकी जो बचा वो क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। और अगर आप लोग इस सराउंडिंग और इस सिस्टम को मिला देंगे तो पूरा बन जाएगा यूनिवर्स। क्या बन जाएगा, यूनिवर्स। इसका क्या मतलब है, हम लोगों ने तीन टर्म्स को पढ़ा, पहला पढ़ा सिस्टम, दूसरा पढ़ा सराउंडिंग, और तीसरा पढ़ा यूनिवर्स। समझ में आ गया आप लोगों को, चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। देखिए लिखा हुआ है, समझ में आया आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं सिस्टम के टाइप्स, कि कितने प्रकार के सिस्टम होते हैं। तो देखिए मेनली तीन टाइप के सिस्टम होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला दिया है आपको, देखिए ओपन सिस्टम दिया हुआ है, पहला होता है ओपन सिस्टम, दूसरा है क्लोज सिस्टम, और तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि ओपन सिस्टम क्या होता है। ओपन सिस्टम का मतलब क्या हुआ, ओपन सिस्टम का मतलब हो गया जैसे कि मान लीजिए एक कोई भी कंटेनर है, इसमें उसमें से एनर्जी का लॉस हो रहा है, मतलब उसके ऊपर ढक्कन नहीं है। जैसे हम लोग चाय पी रहे हैं, चाय का जो प्याला है, जो कप है, वो ओपन रखा हुआ है, ठीक है, वो ओपन है। अब उसमें से हीट एनर्जी भी बाहर निकल रही है, क्योंकि रेडिएशन, हीट रेडिएशन तो हमेशा होता रहेगा, और उसमें से लॉस ऑफ वाटर वेपर भी हो रहा है,
समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे, एक ऐसा सिस्टम जिसमें से एनर्जी एंड मैटर दोनों का एक अगर एक्सचेंज होता है सराउंडिंग के साथ, तो हम लोग बोलेंगे ओपन सिस्टम। सो हाउ कैन डिफाइन द ओपन सिस्टम? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। जहाँ पर मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होता है, हम लोग इसको ओपन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? दूसरा बोला है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम का क्या होता है? क्लोज सिस्टम का मतलब हो गया एक ऐसा सिस्टम जिसमें मतलब मान लीजिए कि एक कंटेनर है, उसके ऊपर मैंने ढक्कन रख दिया है। ढक्कन रखने के कारण क्या होगा कि मैटर का तो एक्सचेंज रुक जाएगा, मैटर का एक्सचेंज सिस्टम से सराउंडिंग में नहीं होगा, मगर हम लोग हीट एनर्जी को तो रोक नहीं सकते हैं, बिकॉज हीट रेडिएशन तो कंटिन्यूसली होता रहेगा, तो इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे क्लोज सिस्टम। सो क्या लिखा हुआ वहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इन द क्लोज सिस्टम देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। लिखा हुआ है इन क्लोज सिस्टम देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। समझ में आ गया आप लोगों को? तो इस तरीके से क्लोज सिस्टम भी हो गया हमारा। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब उसके बाद नाउ गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम के बारे में देखा था, अब हम लोग देखने वाले हैं आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में कि आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल अगर आप समझ लेंगे तो आइसोलेटेड सिस्टम भी समझ में आ जाएगा। जैसे कि थर्मस देखा होगा आपने, थर्मस फ्लास्क देखा होगा। तो थर्मस फ्लास्क में अगर आप लोगों ने हॉट टी को रख दिया, मान लीजिए कि थर्मल फ्लास्क है, आप यहाँ पे ढक्कन लगा दिया आपने, समझ में आया? इसके अंदर क्या है, हॉट टी रख दिया, गर्म चाय रख दिया उसके अंदर, तो क्या होगा कि गर्म चाय उसके अंदर, चलो ये मान लेते हैं कि हमेशा तो गर्म नहीं रहेगी, मगर हम इतना मान सकते हैं भाई कि चलो 2-3 घंटे तक तो वो गर्म रहेगी। ओके तो वट एवर मे बी द टाइम फैक्टर अनटिल इट इज इन हॉट कंडीशन इन द थर्मल फ्लास्क, वी कैन से दैट इट इज प्रेजेंट इन द आइसोलेटेड सिस्टम। सो वॉट इज आइसोलेटेड सिस्टम? द सिस्टम इन विच देर इज नाइदर एक्सचेंज ऑफ मैटर नॉर एनर्जी टेक्स प्लेस विद द सराउंडिंग, यानी कि सराउंडिंग के साथ बिल्कुल एक्सचेंज होता ही नहीं है, ना तो मैटर का होगा ना तो एनर्जी का होगा। अगर दोनों ही कॉन्स्टेंट हैं किसी भी सिस्टम में, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ भाई कि वो हो गया आइसोलेटेड सिस्टम। एक बात और सुनिए, अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें तो आइसोलेटेड कुछ भी नहीं है, नथिंग इज आइसोलेटेड एक्सेप्ट यूनिवर्स, बिकॉज यूनिवर्स इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। यूनिवर्स के अंदर जो कुछ भी है सब उसी के अंदर है, उसी के अंदर खत्म होता है, उसी के अंदर पैदा होता है, उसी के अंदर रहता है, कहीं बाहर जाने वाला नहीं है। तो यूनिवर्स इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, बट वी कैन से दैट थर्मस फ्लास्क इज एन एक्चुअल आइसोलेटेड सिस्टम, बट स्टिल वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ दैट। वाई? बिकॉज फॉर सम ड्यूरेशन टाइम, बिकॉज फॉर सम टाइम, सम टाइम इंटरवल, इट कैन बिहेव एज आइसोलेटेड, बिकॉज कुछ देर तक के लिए वो चाय को गर्म रख सकता है, मगर हमेशा के लिए तो नहीं रख पाएगा। ओके गाइस, आई होप सो आपको आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज द स्टेट ऑफ सिस्टम। ये स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है? स्टेट ऑफ सिस्टम कहने का मतलब हो गया, देखिए स्टेट कहने का मतलब क्या होता है, नॉर्मली इस चैप्टर में हमको तीन स्टेट पढ़ने हैं, मतलब तीन एग्जाम्पल स्पेशली पढ़ने हैं हमको, एक है प्रेशर, एक है वॉल्यूम और एक है टेम्परेचर। तो स्टेट ऑफ फंक्शन कैसे समझिए, स्टेट ऑफ द सिस्टम किसको बोलते हैं? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा तो नहीं इतना क्लियरली यहाँ पर, मगर मैं बता रहा हूँ आप लोग को, दैट स्टेट ऑफ सिस्टम जैसे कि हम लोगों ने बोल दिया प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वर्क, इंटरनल एनर्जी, दीज आर द स्टेट फंक्शंस और स्टेट वेरिएबल्स। ये स्टेट वेरिएबल एंड स्टेट फंक्शन क्या होता है, हमको ये देखना है, हमको तो इसमें यही मेन देखना है कि स्टेट फंक्शन क्या होता है और स्टेट वेरिएबल क्या होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर इसको समझना है तो मैं जो बोल रहा हूँ वो ग्राफ जरा ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ मैंने ग्राफ बना दिया है, ये हो गया है, इस तरफ हो गया है आपका प्रेशर और इस तरफ हो गया आपका वॉल्यूम। ठीक है, ये मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, समझ में आ रहा है आपको? ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, और आपको ए से लेके बी तक जाना है। यहाँ से तीन रास्ते हैं, पहला रास्ता ये हो गया, दूसरा पाथ ये हो गया, तीसरा पाथ ये हो गया। देखिए मैंने तीन पाथ फॉलो कर लिया है, कितने पाथ फॉलो किया मैंने बताइए, तीन पाथ फॉलो किया है। ठीक है, तीन पाथ हम लोगों ने फॉलो कर लिया है, ये हो गया फर्स्ट पाथ, ये हो गया सेकेंड और ये हो गया थर्ड पाथ। अब देखिए ए से के बी तक तीन रास्ते हैं, हम कैसे भी जा सकते हैं उसको, मगर देखिए एक्चुअली क्या है, ए पर ए जो है यहाँ पर पी वन, और मतलब प्रेशर की वैल्यू पी वन है और वॉल्यूम की वैल्यू वी वन है, और बी पर प्रेशर की वैल्यू होगी पी टू और वॉल्यूम की वैल्यू हो जाएगी वी टू। समझ में आ गया आप लोगों को? तो देखिए हमको इससे मतलब नहीं है कि इनिशियल प्रेशर पी वन था और फाइनल प्रेशर पी टू हो गया तो कैसे हुआ, वी डोंट हैव एनी नीड टू नो अबाउट द पाथवे बाय विच प्रेशर हैज चेंज्ड।
हमको इसे कोई लेना देना नहीं है, हमको तो इस बात से लेना देना है भाई कि पहले प्रेशर कितना था और अभी प्रेशर कितना हो गया। समझ में आया आपको, पहले प्रेशर कितना था और अभी प्रेशर क्या हो गया, पहले P1 था अभी P2 था, P2 हो गया, पहले वॉल्यूम V1 था अभी वॉल्यूम V2 हो गया। हमको इससे मतलब है, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है कि कैसे चेंज हुआ। जैसे कि अगर आप लोग अपने घर से स्कूल जाते हैं, तो टीचर को इससे कोई लेना देना नहीं है, स्कूल वालों को इससे कोई लेना देना नहीं है कि भाई आप बस से आते हैं, हवाई जहाज से आते हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं, साइकिल से आते हैं, बाइक से आते हैं, कौन से रास्ते से आते हैं। उनको तो मतलब है कि आप टाइम पर स्कूल पहुंच जाओ, ये सर नो, आपकी फाइनल पोजीशन स्कूल है और इनिशियल पोजीशन आपके घर है। वो तो इतना चाहते हैं कि यहाँ आलतू फालतू से घूमना नहीं है, बस स्कूल से घर, घर से स्कूल, उनको तो इससे मतलब है। मतलब दे आर हैविंग ओनली स्पेसिफिकेशन अबाउट योर इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, दे डोंट हैव एनी टेंशन रिगार्डिंग योर पाथवे बाय विच यू हैव ट्रेवल। सो दिस टाइप ऑफ फंक्शन कॉल्ड ए स्टेट फंक्शन, इसलिए प्रेशर और वॉल्यूम दोनों स्टेट फंक्शन कहलाते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को, तो डेफिनेशन क्या होगा स्टेट फंक्शन का, दोज स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल्स विच आर इंडिपेंडेंट विथ रिस्पेक्ट टू देयर पाथ ऑफ चेंजिंग, ओके, दे आर कॉल्ड एज स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल्स। समझ में आया, तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, ये सारे के सारे स्टेट फंक्शन कहलाते हैं। समझ में आया आगे आप लोग को। इसके अपोजिट होता है पाथ फंक्शन, PATH, पाथ फंक्शन भी होता है। ये पाथ फंक्शन किसको बोलते हैं, पाथ फंक्शन बिल्कुल अपोजिट है, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि भाई वो पाथ कौन सा फॉलो किया, कैसे ट्रैवल किया, कैसे चेंज हुआ, हम लोग उसको बोलते हैं पाथ फंक्शन। सो गाइज, आप लोगों को समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है कि पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन क्या होता है ना। अब देखिए, इसमें एक टॉपिक लिखा है इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, तो इंटरनल एनर्जी भी स्टेट फंक्शन होता है गाइज, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके।